इस्लामाबाद में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का मौकफ है कि वाइस चांसलर सुलेमान मोहम्मद की डिग्री जाली है और उनकी बतौर वाइस चांसलर तकरीरी भी गैर कानूनी है। यहाँ पे ऐसे बंदे को बैठा दिया गया है जिसकी अपनी डिग्री फेक है, इसके रिसर्च पेपर बोगस है, ठीक है, ये इस काबिल नहीं है कि इस कौम के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कर सके। सलमान डी मोहम्मद खुद मुतनाज़ा शख्स हैं, प्लेजराइज शख्स हैं, उनकी डिग्री प्लेजराइज हैं, लिहाजा उनको सिंडिकेट ने भी फारिग कर दिया था। HSC के मतलब उन्होंने अपने लेटर में सामने को फारिग कर दिया था, यहाँ तक कि उनके जो एडवाइज़र हैं उन्होंने भी उनको फारिग कर दिया था। मुजाहिरीन का कहना था अगर वाइस चांसलर को फारिग ना किया गया तो वो ईवान सदर के बाहर एहतजाज करेंगे। हम सदर पाकिस्तान से मुतालिबा करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द फारिग करके एक अहल शख्स बैठाया जाए, ईवान सदर के सामने धरना दे, जो कि वो तो रेड जोन है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे और अभी तो कुछ MNAs भी हमारे साथ हैं, वहाँ पे असेंबली में भी आवाज़ उठाया गया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम ने HEC से सिफारिश की थी कि वाइस चांसलर को उसके अहदे से हटाया जाए, जिसके बाद HEC ने सदर मुमलिकत को लिखा कि मेरिट के खिलाफ होने वाली इस तकरीरी का फैसला वापस लिया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन से तवील मुजाकरात के बाद HEC ने जल्द अज जल्द एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन जमशेद खान के साथ अदील सरफराज, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।